आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। मैं ईशा नरवाल, आज खबर भवानी मंडी राजस्थान से। भवानी मंडी में संयुक्त माली समाज ने शाहजहांपुर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी व परिजनों को सहायता राशि दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसटीएम को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त माली समाज अध्यक्ष मनोहर लाल सैनी ने बताया कि शाहजहांपुर जिले के सुजालपुर तहसील में कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा माली समाज की नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया गया था, जिस मामले में पुलिस द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिस पर संयुक्त माली समाज द्वारा तुरंत प्रभाव से अपराधियों व उनके सहयोगकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अपराधियों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर फांसी की सजा दिलवाने, मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की गई। साथ ही अपराधियों के परिजनों को किसी भी प्रकार से मिलने वाली सरकारी सुविधाओं, राशन, पेंशन आदि को बंद करने की मांग की गई। वहीं इस दौरान संयुक्त माली समाज अध्यक्ष मनोहर लाल सैनी, उपाध्यक्ष दिलीप सैनी, फूल माली समाज अध्यक्ष विष्णु सुमन, अर्जुन सुमन, संतोष सुमन, अर्जुन सैनी, मनीष सुमन, गौरी शंकर सुमन, तेज प्रकाश सुमन, राम प्रसाद, संजय जयकार, प्रकाश कन्हैया लाल आदि समाज सदस्य मौजूद रहे। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, भवानी मंडी राजस्थान से। खबर माली समाज जिंदाबाद, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। क्या मामला आज घटनाक्रम को लेकर? घटनाक्रम ये है कि शाहजहांपुर जिले के धारोला गांव में 17 अगस्त को लव जिहाद का मामला लेकर कुछ असामाजिक तत्व जो मुस्लिम समाज के थे, उनने एक नाबालिग लड़की को गैंग रेप करके बुरी तरह से दुष्कर्म करके और उसे तालाब में फेंक दिया था। इसलिए पूरे माली समाज में आक्रोश से मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो माली समाज है वो ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि इनको जो ये दुष्यंत ये जो दुष्कर्म के लोग हैं इनको 2 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक में मुकदमा चालू करके और इनको शीघ्र फांसी की सजा दी जाए।